चार धाम यात्रा गैर हिंदुओं की नो एंट्री। चार धाम यात्रा को लेकर खड़े हुए सवाल, सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश पर सीएम धामी का बड़ा बयान। इस बार बड़े पैमाने पर किया जाएगा वेरिफिकेशन। तत्काल लाइसेंस बने, प्रवेश पत्र बने, और जिनके पास गैर हिंदुओं का प्रवेश हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग हैं, उन सबको तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। और प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो काली सेना के लोग स्वयं खड़े होकर के उनका आईडी कार्ड चेक करने का काम करेंगे। तो चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। मांग की है शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और संभावी धाम पीठेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने। बकायदा उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी भरे अंदाज में स्वामी जी ने समझा दिया है कि चार धाम यात्रा के दौरान गैर हिंदू दिखना नहीं चाहिए, वरना फिर ये होगा। चूंकि यह प्रदेश, यह देश किसी के बाप का नहीं है, और यह हिमालय हमारा मंदिर है, उसको बचाना हमारा धर्म है। चार धाम यात्रा के दौरान या केदारनाथ यात्रा के दौरान एक भी घोड़े वाला वहां अब दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पैसे पर पल करके हमारे ही गर्दन काटी जा रही है, हमारे ही जुलूसों पे हमले हो रहे हैं, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। अगर पुष्कर सिंह धामी इसको चाहते हैं कि शांतिपूर्ण यात्रा निकले, तो यह लाइसेंस जारी करें। तो क्या वाकई में चार धाम यात्रा के दौरान सरकार सख्ती अपनाने जा रही है, और क्या वाकई में जो मांग साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की है, उस पर सरकार क्या अमल करने जा रही है? हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो, कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। वहीं विवाद बढ़ा तो धर्म के नाम पर सियासत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा, अब वो भी सुनिए। कोई भी धर्मगुरु ऐसा कह कैसे सकता है, ये समझ से परे है। और ये राज्य, ये राष्ट्र और हमारा संविधान सबको कहीं भी जाने की, अपनी अभिव्यक्ति की, आने जाने की इजाज़त देता है। कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी धर्म और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये मोदी जी को और उनके सरकार के मुख्यमंत्री को तय करना है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा या एक व्यक्ति की भावना। यानी धर्म के नाम पर सियासी युद्ध छिड़ने जा रहा है। परीक्षा सीएम धामी के सामने भी है, और वो अब राज धर्म कैसे निभाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सुभाष कोड, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।